नमस्कार, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और ये बड़ी खबर एक बड़े मीडिया हाउस के स्टिंग ऑपरेशन से बाहर निकल कर आई है। सिंह ऑपरेशन में क्या खुलासा हुआ है? सिंह ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि केशव जो सुशांत सिंह राजपूत का कुक था, वो सारा अली खान के घर इस वक्त पे काम कर रहा है। अब कड़ियां आप जोड़नी शुरू कीजिए। केशव दरअसल वो शख्स है जो मीडिया के सामने बहुत कम आया है। केशव से हमने भी फोन पर बात करने की कोशिश की थी, उसने फोन उठाने के बाद ये कहा कि मुझे छोड़ दीजिए इस मामले पर, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मेरे लिए ये मामला खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है वो यही कि सीबीआई केशव और नीरज दोनों को एक बार फिर से बुला सकती है, क्योंकि ये उसके घर में कुक का, सुशांत सिंह राजपूत के घर में कुक का काम करते थे और इनकी लगातार बात होती थी। आखिरी बार जो बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, वो उनके कुक से ही हुई थी। उन्होंने एक नारियल पानी मांगा था, ऑरेंज जूस मांगा था और एक केला खाने की बात कही गई थी। ऑरेंज जूस और नारियल पानी तो ले लिया गया, केले के लिए कहा गया कि बाद में खाऊंगा। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक गार्ड ने, सारा अली खान की सोसाइटी के एक गार्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि यहीं पर केशव इस वक्त पे काम करता है। केशव दरअसल वो शख्स है जो मीडिया के सामने आने से हमेशा बचता रहा और इन सारे लोगों में, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हों, चाहे नीरज हों, चाहे केशव हों, इन सारे लोगों में वही एक शख्स था जो बार बार जब उसको बुलाया जाता था पूछताछ के लिए हो तो सबसे ज़्यादा अब्रप्ट वही लगता था। मीडिया इंटरव्यूज की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, जब जब बात करने की कोशिश की गई उसने यही कहा कि मेरे लिए मामला खत्म हो चुका है, जबकि सीबीआई तो अभी इस मामले को कई अलग अलग एंगल्स पे इसकी जांच जारी रख रही है। अब दरअसल खबर ये आ रही है कि इन दोनों से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। सारा अली खान के घर पे वो खाना बनाने का काम करता है और सारा अली खान उस दौरान ही इन्हें ले गई थी जब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था। इसके अलावा निश्चित तौर पर यह भी बताया गया कि जब सारा अली खान गोवा में आई तो केशव उस वक्त पे घर पर ही था। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो उस वक्त पे सारा का सारा मामला था, केशव उससे खुद को लगातार बचाना चाह रहा था। वो पीछे क्यों हट रहा था ये तो निश्चित तौर पर सीबीआई के सवालों के जवाब में ही सामने निकल कर आएगा कि केशव बार बार, जबकि नीरज दूसरी तरफ लगातार बात कर रहा था, चाहे मीडिया से हो चाहे पुलिस इंटरोगेशन में हो, वहां तो खैर उसकी जिम्मेदारी है, उसको जवाब देना ही पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी कह लीजिए आप या फोर्सफुली पुलिस जवाब निकलवाएगी, लेकिन मीडिया से भी वो लगातार बात कर रहा था, जिसको आमतौर पर वो मना कर सकता है जैसे केशव ने किया। लेकिन इस सारी खबर के बीच ये बहुत अहम कड़ी है कि इन सभी चीजों के बीच कैसे केशव सारा अली खान के घर पहुंचा और वहां वो खाना बनाने का काम करने लगा, जबकि वो तो सुशांत का कुक था। तो इस मामले पर अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि सीबीआई इन दोनों को साथ में बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि केशव और सारा अली खान को भी सामने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हो कि आखिर ये सारी चीजें हुई कब, इन सारी चीजों में चेंज कब आया, कब आप सुशांत के घर से जो है वो सारा अली खान के घर पहुंच गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।